Good morning everyone, my name is Gaurav and I welcome every student to this wonderful platform that is Example. हमें कलम संक्रांति आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेशन में, जहां पर पढ़ने वाले हम लोग डिफरेंट रूट वर्ड्स के थ्रू पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को. याद रखिएगा, मैंने लास्ट क्लास में भी बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी है, बहुत सारे रूट्स पढ़ा रखे हैं, बहुत सारे रूट्स के ऊपर प्रैक्टिस करवा रखी है. तो क्या हो गया, हमारी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज चल रही है रूट वर्ड्स से हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, वोकैबुलरी कर रहे हैं. जैसे वन वर्ड हो, जैसे सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, ये सारी चीजें कर रहे हैं हम लोग फिलहाल रूट वर्ड से. ठीक है, याद रखिएगा हर एक रूट वर्ड के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद हम लोग उसमें प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं. अगर कोई नए स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि भाई अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जाकर देख लीजिएगा. अभी इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अगले टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं. याद रखिएगा सभी लोग, जो भी क्लास में पढ़ेंगे वो सीखेंगे हम लोग, रटने वाले कोई भी सेंस नहीं होने वाली, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात का. आगे बात करें, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि भी हमारी जो जादू का पिटारा कहे जाने वाला ऐप एग्जाम्पल के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए. अब मैं कहता हूं इसे जादू का पिटारा क्यों कहता हूं भाई, कि देखिए आपने देखा होगा जादूगर के पास एक हैट होती है, वो हैट जो उतारता है उसके अंदर से रैबिट निकालता है ना, पिजन निकालता है, मतलब कबूतर वगैरह निकालता है, बहुत सारी चीजें निकालता है. ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि एक हैट होता है, छोटा सा हैट है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें कैसे आ जाती हैं. ठीक है, तो वही सेम चीज यहां पे है, एक छोटा सा एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको हर चीज मिलने वाला है. एक ऐसा स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो उनके लिए ये क्या है, जादू का पिटारा की तरह है, जिसमें फ्री पीडीएफ है हर चैप्टर से, मतलब जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं यूट्यूब के ऊपर उन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में. ठीक है, वहां से पढ़ सकते हो हर सब्जेक्ट का. उसके अलावा करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स वहां मिलते हैं, वहां पढ़ सकते हो. फ्री क्विजेस हैं, ठीक है, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो. उसके अलावा लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं और बुक्स भी अवेलेबल हैं. तो हर चीजें आपको वहां पे एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन में मिल रही हैं, मतलब कह सकते हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये. ठीक है, इसके अलावा बात करें हम लोग, तो डबल धमाका ऑफर लेकर आया एग्जामपुर आप सभी के लिए. याद रखिएगा डबल धमाका ऑफर वीक है ये, मतलब कुछ दिन में ये ऑफर खत्म हो जाएगा. ठीक है, जिस भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं लोग, आप में से कोई भी स्टूडेंट एग्जाम्पल किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं, तो उनको यूज करना होगा सुपर 60 कोड, जिससे उनको किसी भी कोर्स पे 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है, इतना ऑफर कभी नहीं मिला है. ठीक है, एग्जाम्पल में 30% ऑफ मिल रहा है किस पे, एग्जामपुर के डिफरेंट बुक्स पे. अब जो भी बुक्स परचेस करते हो एग्जामपुर से, तो एग्जामपुर पब्लिकेशन का कोई बुक परचेस करोगे ऑनलाइन, तो उसमें क्या होगा, बुक 30 आपको यूज करना होगा. बुक 30 यूज करने से 30% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है किसी भी बुक पे. ठीक है, तो फिलहाल ये सारे ऑफर्स थे. और हम लोग क्या कर रहे थे इसके अलावा, तो आपको बताऊं किसके अलावा हम लोग डिफरेंट चीजें पढ़ रहे हैं. जैसे अगर हम बात करें रूट वर्ड्स की, तो यहां पर रूट वर्ड्स पढ़ रहे थे. रूट वर्ड्स में क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग इसमें एक साथ डिफाइन कर पाते हैं. ठीक है, इसका नाम मैंने रखा था इंग्लिश बूस्टर. ठीक है, रूट वर्ड्स गाइड एक्चुअली है ये, इंग्लिश बूस्टर की तरह काम करता है, बूस्ट करता है आपके इंग्लिश वोकैबुलरी को. ठीक है, याद रखिएगा मैंने आपको इसमें बूस्ट में बताया था, बी डबल ओ रहेगा, इसका मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाने का सेंस है, मोटिवेट करने का सेंस होता है, तो इंग्लिश बूस्टर है ये. आगे बात करें हम लोग, देखिए हमने क्या किया, कुछ वर्ड्स हमने पहले से पढ़ रखे हैं, तो आज की क्लास में क्या करेंगे, हर तीन क्लास के बाद हम रिवाइज करते हैं. आपको मैंने बताया था शेड्यूल, जो नए हैं उनको मैं अभी जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूं, ऐसे जो लोग नए नहीं है पुराने हैं उनको पहले से पता है कि तीन क्लास के बाद मैं रिवाइज करता हूं. तीन क्लास का मतलब अराउंड 100 वर्ड्स जब होते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसका रिवीजन करते हैं, ताकि ये चीजें याद रह जाए. ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम इन करूंगा तो दिखेगा. ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखिए अब ये दिख रहा होगा आप सभी को, दिख रहा है ना, देखिए अब ये दिख रहा होगा. अब इसमें करना क्या है, तो बस समझना है और धीरे धीरे हम लोग रिवाइज करके आगे बढ़ते चलेंगे. ठीक है, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट मिला होगा कि आप सभी लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए. शेयर करेंगे तो और भी स्टूडेंट के पास हमारी ये क्लास पहुंचेगी और उन लोगों को फायदा मिलेगा इस क्लास का. याद रखिए इंग्लिश जो है ये दुखती रग है, मतलब कहने का मतलब है ये नासूर बना हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स का. बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो पा रहा है ड्यू टू इंग्लिश, है ना, इंग्लिश का लैक, कहते हैं ना लैकिंग इंग्लिश नॉलेज.
नॉलेज, इंग्लिश का नॉलेज जो है काफी कम होने के कारण स्टूडेंट क्रैक नहीं कर पाते। मैथ्स बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, जीके जीएस बहुत अच्छा है, फिर भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश उसमें 20 मार्क्स का पूछ रहा है, तो 20 मार्क्स में भी दिक्कत आ रही है। 30 मार्क्स का पूछता है, जैसे एमपीएसआई की बात करें तो ऐसा कोई पेपर उठाइए आप, तो एमपीएसआई का रिसेंट एग्जाम होने वाला, तो उसमें क्या होगा, 30 मार्क्स के इंग्लिश से क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आते तो फिर दिक्कत हो जाएगा उसमें। किसी भी एग्जाम की बात करें, वीडियो की बात करें, मेंस की बात करें, किसी के बारे में बात करें, पटवारी, आप वन रक्षा में जाओगे तब भी वहां पे आपको मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंस जो है ना इंग्लिश का बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए रूट वर्ड क्या है, थे ही आपको दिख रहा होगा, ये हम लोग रिविजन कर रहे हैं, मतलब पहले पढ़ चुके हैं अभी रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास वर्ड है थे ही, बहुत इसको थी भी बोलते हैं, थे ही, दोनों वर्ड सेम है, जैसे पढ़ लीजिए। थे ही बोलने का सेंस क्या होता है, इससे स्पेलिंग याद हो जाती है, टी एच ई आई, तो थे ही बन जाता है। थे ही का मतलब ये क्या है, एक्चुअली में ये गॉड से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, थे ही का मतलब क्या होता है, गॉड या फिर रिलीजन, ठीक है। कह सकते हैं हम लोग अगर कोई आदमी किसी भगवान को पूजता है या अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो करता है, किसी रिलीजन को फॉलो करता है, तो उसके लिए थे ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका मतलब गॉड या फिर रिलीजन। अब देखिए थे ही को हम लोग अलग अलग जगहों पर यूज करेंगे। यहां पर देखिए थे ही है, यहां पर देखिए थे ही है, यहां पर देखिए थे ही है। कहने का मतलब है कि थे ही डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल होता है और उसका मीनिंग भी चेंज होता रहता है। मतलब थे ही का मीनिंग चेंज नहीं होगा, वो रूट वर्ड से अलग अलग वर्ड बनाएगा, ठीक है। तो पहला वर्ड हमने क्या किया, एसटी जोड़ दिया इसमें, ठीक है। तो ये क्या बन गया, तो देखिए अब ये एक्चुअली में एसटी बन गया। इससे हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा पता है, एक वर्ड निकलेगा थे ही और दूसरा वर्ड निकलेगा आईएसटी, है ना। अब देखिएगा आईएसटी की मीनिंग क्या होती है, तो आईएसटी का मतलब होता है पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति का सेंस होता है यहां पे, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान को पूजता है उसे कहते हैं थीस्ट। क्या बोलेंगे, डबल आई तो लिख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, सिंगल आई में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बन गया ये बन गया थीस्ट। ये मुझे पहले से भी पता है, अगर मैं किसी व्यक्ति के, अगर मैं वो व्यक्ति हूं भगवान की पूजा करता हूं, तो मैं बोलूंगा कि मैं आस्तिक हूं, मतलब मैं थीस्ट हूं। लेकिन अगर मैं भगवान की पूजा करता ही नहीं, किसी भगवान में मानता ही नहीं, किसी भी रिलीजन में मानता ही नहीं, जैसे मेरे एक सर थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे मुझे, वो साउथ इंडियन थे और वो बोलते थे कि मैं भगवान में नहीं मानता, ही वॉज नास्तिक, ही वॉज एथिस्ट। देखिए किसी वर्ड से पहले ए एन या अन, यू एन ए लगा दो, ठीक है, एन लगा दो, यूएन लगा दो, ये सब का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट होता है, ठीक है, समझिएगा ऑपोजिट उसका मीनिंग। तो थीस्ट का मतलब भगवान को पूजने वाला, ए हमने लगा दिया शुरुआत में, ए थीस्ट कर दिया, सारी स्पेलिंग सेम है बट ए लगा हुआ है, एथिस्ट का मतलब क्या, नास्तिक, मैं भगवान को जो नहीं पूछता है, वो सेंस हो गया यहां पे। अब देखिए मीनिंग क्या है, द वन हु डोंट बिलीव इन, द वन हु डोंट नहीं होगा, यहां होगा डजंट, does not, ठीक है, the one who does not believe in God or religion, किसी तरह के religion में believe नहीं करता, विश्वास नहीं करता, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग का यहाँ पे sense, आप लोग का भाई यहाँ पे duty है कि आप लोग note करते चलें, अगर कोई चीज लगे difficult note कर लीजिए, पूछ लीजिए। आप लोग नोट करेंगे और कोई डाउट लगे तो पूछ लेंगे, ठीक है। अगला वर्ड देखिएगा, मोनो अफिलिएथीस्ट लगा हुआ है, थीस्ट का मतलब पूजा करने वाला, मोनो का मतलब होता है वन, देखिए कैसे बना है, मोनो के साथ थीस्ट को जोड़ दिया गया है, जिसका मतलब होता है, मोनो का मतलब हो गया ओनली वन और थीस्ट का मतलब पूजा करने वाला, सिर्फ एक भगवान को जो मानता है उसे कहते हैं मोनोथीस्ट। जैसे बहुत सारे रिलीजन होते हैं जिसमें सिर्फ एक भगवान को, जैसे अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, उसमें गौतम बुद्धा को मानते हैं, समझ रहे हैं, तो बौद्ध धर्म में सिर्फ एक भगवान है गौतम बुद्धा, ठीक है, जो कि वो शुरुआत से हिंदू थे, ठीक है, फिर उन्होंने एक नए रिलीजन की स्थापना की, दैट इज बुद्धिज्म, ठीक है। अब समझिएगा, तो गौतम बुद्धा को मानने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोथीस्ट होते हैं। मोनो का मतलब क्या हो गया, जैसे मोनो का मतलब क्या, वन, जैसे आप सभी के पास मोनोपॉड होगा, अगर आप लोग नहीं जानते तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक गोप्रो है, ठीक है, गोप्रो है, इसका मतलब कि मेरे पास एक कैमरा है, ठीक है, बहुत छोटा सा कैमरा होता है, एक्शन कैमरा कहते हैं उसको, गोप्रो को, अब उसको लगाने के लिए मेरे पास मोनोपॉड है, मोनोपॉड का मतलब एक ऐसा पॉड होता है पकड़ने के लिए, एक इतना बड़ा सा उसमें स्टैंड टाइप का बना होता है, ठीक है, अब उसमें क्यों, उसके ऊपर आप कैमरे को कस दीजिए, वो स्क्रू वगैरह लगे होते हैं उसके अंदर, वो टाइट हो जाता है, उसके बाद आप उससे ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो मोनोपॉड का मतलब ही होता है सिंगल,
एक 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 ऐसा पॉड जिसके ऊपर सिंगल आप चीजें डिवाइस लगा के यूज कर सकते हो। तो मोनोथीस्ट का मतलब हो गया सिर्फ एक भगवान को पूजने वाला। अब देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है पॉली के बारे में। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। देखिए ये देखिए कैसा है, स्पेलिंग में एरर हो गया थोड़ा सा, मैं सही कर रहा हूं। पॉली का मतलब होता है मेनी। ये रिवीजन हो रही क्लास, याद रखिएगा ये क्लास रिवीजन क्लास है, ये एक्चुअल क्लास नहीं है। एक्चुअल क्लास मैंने पहले पढ़ा रखा है, ठीक है, ये बस रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को, मैं टेस्ट लेने वाला हूं आगे चल के, तो टेस्ट में आप लोग बोलोगे सर रिवाइज नहीं हुआ, रिवाइज नहीं हुआ, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, आई थिंक प्रियंका नाम था उसका, उसने मुझे बोला था कि सर रिवाइज कैसे करूंगी क्योंकि हमारे पास तो पीडीएफ ही नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है इसका, देखिए पीडीएफ जैसे ये खत्म हो जाएगा ना, इसके पीडीएफ मैं डाल दूंगा आपके उसमें एप्लीकेशन में, ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और वहां से पढ़ लेना, ठीक है, टेंशन नहीं लो। अभी फिलहाल क्या है ना, ये देखिए आपको मैं दिखाऊंगा इसको ना, तो बहुत ही बड़ा है ये, एक बार दिखाता हूं आपको, ये एक्चुअली में क्या है ना, बहुत ज्यादा है इसके अंदर, इसमें 15 पेजेस है, दिख रहे हैं आपको 15 पेजेस, एक पेज में करीब 4 से 5 रूट वर्ड्स के ऊपर एग्जांपल्स लिखे हैं, तो 15 पेजेस है, तो बहुत सारे नहीं है, लेकिन जो भी है करके हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को मैं वापस कर दूंगा, ठीक है, सारे वो दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी होता है। और देखिएगा पॉली से बना मिनी और इसी से बना पॉलीथीस्ट, थीस्ट का मतलब पूजने वाला, मतलब जिसे मोनो के जगह पे पॉली लगा देंगे तो एक भगवान से बहुत सारे भगवान हो गए। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे भगवानों की पूजा करता है, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे भगवानों में मानता है, विश्वास करता है, बहुत सारे धर्म में भी विश्वास करता है। एक मैसेज मुझे क्या है, मुझे सिर्फ ऐसा नहीं कि हनुमान जी में ही विश्वास है, मुझे बहुत सारे भगवान में विश्वास है। तो कहने का मतलब मैं क्या हूं, पॉलीथीस्ट हूं, ठीक है। उसके अलावा रिलीजन की बात अगर करूं तो मुझे सिर्फ, मैं एक्चुअली रिलीजन वाइज मैं हिंदू हूं, बट मुझे आई बिलीव इन ऑल द रिलीजन, ठीक है, आई रेस्पेक्ट, इट मीन्स आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन इन दिस वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के रिलीजन को मैं क्या करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा रेस्पेक्ट करने का सेंस ही यहां पे क्या है कि भाई ठीक है आप अपने धर्म को मानो, मैं अपने धर्म को मानता हूं, कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं है, ये सेंस है। लेकिन मैं उनके धर्म को फॉलो नहीं करता, याद रखिएगा फॉलो नहीं करता। तो पॉलीथिस्ट से एक और मिलता जुलता वर्ड हम लोग को मिलता है, दैट इज पैनथिस्ट। देखिए अगला वर्ड वही होगा, पैनथिस्ट। पैन का मतलब होता है ओवरऑल, मतलब होल का सेंस होता है ना, सब कुछ। तो बोलते हैं ना पैन इंडिया, मतलब पैन इंडिया का मतलब जो हमारी क्लास चल रही है ना, ये क्लास जो चल रही है पैन इंडिया चल रही है, मतलब ये पूरे इंडिया में चल रही है। पैन अमेरिका मतलब पूरे अमेरिका में, कहने का सेंस सिंपल सा यही है कि पैन का मतलब होल होता है, होल का समझ रहे, मतलब पैन का मतलब क्या होता है, पैन का मतलब होल होता है, ठीक है। तो पैनथीस्ट का मतलब है जो पूरी दुनिया में जो भगवान होते हैं, जो पूरी दुनिया में जो रिलीजन होता है, उन सभी को मानने वाले, उनको बोलते हैं पैनथीस्ट। क्या बोलते हैं उनको, उनको बोलते हैं पैनथीस्ट, ठीक है। आगे बात करें हम लोग तो इसके अलावा देखिए हम लोग का थीस्ट वाला रूट खत्म हो गया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं डिफरेंट चीजों को देखते हैं। दूसरा वर्ड हमारे पास देखिए लजी से है, लजी कैसे यूज होता है उसको साथ देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगला जो रूट हमारे पास है वो है लजी। आप सभी को अगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, चलिए अब दिख रहा होगा। देखिए लजी का मतलब क्या होता है, एल ओ जी वाई, लजी का मतलब होता है स्टडी। जब भी हम बात करते हैं लजी की, मतलब स्टडी की बात कर रहे होते हैं उस समय, लजी मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग, किसी चीज की स्टडी करना। एक और वर्ड होता है साइंस होता है, आप सभी लोग जानते होंगे साइंस का मतलब अपने आप में स्टडी करना ही होता है, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा है थियर, है ना, हमने थेई पढ़ा था, तो थेई का मतलब टी एच ई आई था, अब यहां पे क्या थियो कर दिया हमने, क्या
थी से या फिर थेई से थियो में कन्वर्ट कर दिया। देखिए रूट वर्ड्स में क्या होता है, हमेशा वर्ड स्पेलिंग चेंज हो सकता है, इस बात की गारंटी रखिएगा सभी लोग कि भाई चेंज होंगे स्पेलिंग, अकॉर्डिंग टू वर्ड स्पेलिंग चेंज होते हैं, डिफरेंट फॉर्म से यूज होते हैं, क्योंकि रूट जो होता है ना वो ग्रीक वर्ड है, याद रखिएगा ये चीजें हैं, ये ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक को जब हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ना तो स्पेलिंग में चेंजेस होते ही होते हैं, ताकि इससे परेशान ना हो कि सर स्पेलिंग वहां कुछ और थी यहां कुछ और हो गई, तो ग्रीक से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब देखिए थियो का मतलब हो गया भगवान से रिलेटेड या फिर किसी ना किसी रिलीजन से रिलेटेड, रिलेटेड टू एनी गॉड और रिलीजन। अब उसमें क्या हो रहा है, लजी की बात, रिलीजन मतलब स्टडी, इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो स्टडी करता है किसी पर्टिकुलर गॉड के ऊपर या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, उसे बोलेंगे हम लोग थियोलॉजी। ठीक है, थियो देखिए स्पेलिंग की गलत लिखा है, थियो मींस गॉड और रिलीजन, सो थियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ रिलीजन। ठीक है, आपको पता है बहुत सारे फॉरेन कंट्री से रिसर्चर्स आते हैं इंडिया में, वो हिंदुइज्म पे रिसर्च करते हैं कि हिंदुइज्म ऐसा क्या है, बताइए ऐसा क्या है हिंदुइज्म में जो अभी तक पूरी दुनिया में, अभी तक कहते हैं ना बहुत पुराना एंशियंट रिलीजन अगर कोई है तो वो हिंदुइज्म है। ठीक है, चलिए एंथ्रोपोलॉजी, अगला वर्ड हमारे पास है एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए इसमें जो वर्ड यूज किया गया एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मैनकाइंड ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, और एंथ्रोपोलॉजी इसमें लजी लगा रहे हैं हम लोग, मतलब स्टडी हो रहा है, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब इंसानों के बारे में स्टडी क्या करेंगे, तो भाई ऑब्वियस ही बात है एक ही स्टडी होगी, ऐसा स्टडी नहीं होगा इंसान के बारे में कि वो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, दो कान क्यों होते हैं, दो आंख क्यों होते हैं, ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है। स्टडी करने का मतलब है कि कैसे ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, है ना, इवोल्यूशन का मतलब कैसे वो चीजें आज हम लोग जिस दौर में खड़े हैं यहां तक पहुंचे कैसे, है ना। हम लोग एक टाइम में अर्ली मैन थे, मतलब आदि मानव थे, आदि मानव से अभी तक कैसे यहां तक पहुंचे, उसके भी पहले, मतलब ह्यूमन बीइंग बना ही कैसे, आया ही कैसे ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में, तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं हम लोग, ह्यूमन रेस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, मतलब कि ह्यूमंस का, ह्यूमन बीइंग का कैसे उत्थान हुआ, कैसे वो आए इस दुनिया में और किस तरह से आज हम लोग यहां तक पहुंच पाए हैं, इसके बारे में पढ़ने को क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो देखिए ये बना है वर्ड मॉर्फ से, है ना, एम ओ आर पी एच, है ना, मॉर्फ से ही बना मॉर्फो, साथ में लॉजी लगा दिया, तो मॉर्फ का मतलब होता है किसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताजमहल के स्ट्रक्चर के बारे में, तो वी आर डूइंग क्या, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, वी आर डूइंग मॉर्फोलॉजी, तो वी आर मॉर्फोलॉजी कह सकते हैं लोग कि मॉर्फोलॉजी करने का मतलब ही हो गया किसी स्ट्रक्चर को पढ़ना, जरूरी नहीं कि कोई फिजिकल स्ट्रक्चर ही हो, या फिर कह सकते हैं लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए नर्वस सिस्टम है हमारा, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसको भी पढ़ने को बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, किसी भवन के स्ट्रक्चर को पढ़ने को बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है भाई, देखिए अगला वर्ड है एंथ्रोपो, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपो का मतलब होता है मैनकाइंड, याद है ह्यूमन बीइंग, और मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, और इज्म का मतलब क्या, वो जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, समझिएगा, अगर हम बात करें कि इसका मतलब एंथ्रोपो, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया गिविंग ह्यूमन स्ट्रक्चर टू गॉड, भगवान को हम लोग अपने सूरत में, अपने सीरत में क्यों ढालते हैं, जैसे भगवान क्या, कौन बताएगा हम लोगों को कि भगवान जो होते हैं ना वो हम लोग की तरह दिखते हैं। बचपन में मेरा एक क्वेश्चन होता था, मैंने अपने रिलेटिव्स, अपने बड़ों से पूछा कि बताइए मुझे कि भगवान हमारी तरह दिखते हैं इसका क्या सबूत है, भगवान कहते हैं कि वो कहते हैं ना किसी भी स्ट्रक्चर, किसी रूप में नहीं होते, किसी डेफिनेट रूप, कोई डेफिनेट रूप नहीं है भगवान का, ऐसा हम लोग पढ़े बचपन में। तो मैंने पूछा अपने बड़ों से कि बताइए ऐसा क्यों हम लोग मान लें कि गणेश जी ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे क्यों मान लें कि दो हाथ होता है भगवान का, दो पैर होता है, एक सिर होता है, बहुत भगवान का दो से एक से ज्यादा सिर होता है, एक से ज्यादा हाथ होता है, दो से ज्यादा हाथ होता है, कहने का मतलब है दो से ज्यादा हाथ वाले भगवान भी होते हैं, एक से ज्यादा सिर वाले भगवान भी होते हैं, तो ये पता कैसे चला कि भाई वो भगवान जो है ना उनका स्ट्रक्चर हमारी तरह है, ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता है। तो एक्चुअली में इसका जवाब मुझे बड़ों ने यही दिया कि भाई क्या हो गया, पुराने जो चीजें निकली है ना हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, चीजों को फॉलो करते हैं, वो चलती आ रही है, परंपरा चली आ रही है। तो सबसे पहला जो
ह्यूमन बीइंग होगा जो खुदाई वगैरह किया होगा, तो उसको मिला होगा भगवान का फोटो वगैरह या फिर मूर्तियां जो मिली है, फोटो तो नहीं मूर्तियां मिली है, तो मूर्तियां जो मिलती है ना स्ट्रक्चर से मिलते हैं, उसमें भगवान का जो स्ट्रक्चर था उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ हम लोग आज भी मानते हैं। ठीक है, ये डेफिनेट है, और इसका इसके बारे में बहुत डीप नॉलेज मुझे नहीं है तो मैं इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। फिलहाल यही चीज मुझे सुनने को मिला अपने बड़ों से उस टाइम जब मैं छोटा था। ठीक है, तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब ही हो गया कि भगवान को हम लोग, इज्म का मतलब भगवान से सेंस है, तो भगवान को हम लोग अपने रूप में ढालने का सेंस जो करते हैं ना मानते हैं उसी को बोलते हैं। अब देखिए ज़ूमॉर्फिज्म, फिर से देखिए ज़ू का मतलब हो गया एनिमल और मॉर्फ का मतलब हो गया स्ट्रक्चर, इज्म का मतलब भगवान, भगवान को जानवर के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं मानते हैं पढ़ते हैं सीखते हैं। वो क्या है अब जानवर के स्ट्रक्चर कैसे, तो देखिएगा गणेश जी जो है, गणेश जी का जो सिर है वो देखेंगे आप तो हाथी का सिर बना हुआ है, वो कहने का मतलब कि जानवर के फॉर्म में। फिर दूसरा आप देखोगे तो कौन सा था, प्रहलाद को बचाने के लिए आए थे, शेर का मुंह वगैरह था वो बनकर आए थे। तो कहने का सेंस है ना कि भगवान की कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो भगवान का स्ट्रक्चर मैच करता है किसी जानवर के स्ट्रक्चर से, तो उसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे ज़ूमॉर्फिज्म। ठीक है, आगे देखिए एमॉर्पिक, एमॉर्पिक का मतलब क्या होता है, इट्स ए अलग लगा है, मॉर्फ लगा है आगे चल के, मींस नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। मॉर्फ का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, लेकिन एमॉर्फ बोल देंगे या फिर एमॉर्पिक बोलेंगे, ए लगाने से ऑपोजिट होता है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, समझ रहे, चले आगे बढ़ते हैं। अगला है फोबिया, देखिएगा अगला वर्ड हमारे पास क्या है, अगला वर्ड है फोबिया। देखिए अगला वर्ड है फोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है, फियर या डिसलाइक करना, नापसंद करना या डरना, इसको बोलते हैं क्या, फोबिया कहते हैं। अब देखिएगा ज़ू फोबिया, फिर मैंने बताया कि ज़ू का मतलब क्या होता है, एनिमल होता है, और फोबिया का मतलब क्या होता है, डर या फिर कह सकते हैं लोग डिसलाइक करना। अगर किसी को डर लगता है जानवरों से तो उसे बोलेंगे क्या, कि उसे ज़ू फोबिया है। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड देखिएगा सभी लोग, फोबिया के ऊपर और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। देखिए एंड्रो, एंड्रो का मतलब मैंने पहले ही बताया सभी को कि एंड्रो बना है एंड्री से, एंड्री या फिर एंड्रो ले लीजिए, इन सब का मेल मतलब है या फिर हस्बैंड से। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, हस्बैंड या मेल से इसका मतलब होता है। तो एंड्रोफोबिया, फोबिया है किसी को मतलब डिसलाइक करता है, किसको, अगर कोई फीमेल है जो किसी मेल को डिसलाइक करती है या सारे मेल को, किसी एक पर्टिकुलर मेल को नहीं सारे मेल को डिसलाइक करती है, उसको बोलेंगे कि भाई उस फीमेल को क्या है, उस फीमेल को एंड्रोफोबिया है। ठीक है, और उसी तरह अगर हम बात करें किसी मेल को मतलब किसी लड़के को सारी लड़कियां एकदम मतलब डिसलाइक करते हैं, उसको पसंद नहीं करते, तो वैसे मेल को बोलेंगे गाइनोफोबिया, कि गाइनो का मतलब होता है, ये बना है वर्ड कहां से, तो ये वर्ड बना है गाइनी से, गाइनी मतलब होता है विमेन या फीमेल कह सकते हैं हम लोग, तो गाइनोफोबिया मतलब हो गया डिसलाइक करना, तो ऐसे मेल जिसको फीमेल्स नहीं पसंद है उसे बोलेंगे क्या, गाइनोफोबिया है उन्हें। ठीक है, आपने सुना होगा गायनोकोलॉजिस्ट, सुना है क्या, तो गायनोकोलॉजिस्ट होता है ऐसे डॉक्टर को बोलते हैं जो फीमेल से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करते हैं, फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसे बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। तो गायनो का मतलब ही हो गया यहां पे फीमेल। ठीक है, अब देखिए पेडोफोबिया, अगला वर्ड है हमारे पास पेडोफोबिया, पेडो का मतलब होता है बच्चे, है ना, चाइल्ड या चिल्ड्रन बोल सकते हैं, तो पेडो का मतलब हो गया चाइल्ड, और इसलिए पेडोफोबिया का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा आदमी जिसे क्या होता है, जिसे पसंद नहीं है क्या, बच्चे नहीं पसंद है, जिसे बच्चे पसंद नहीं है उसे बोलते हैं पेडोफोबिया। ठीक है, याद रहेगा सभी को। आगे देखिए अगला वर्ड हमारे पास है डेमोफोबिया, तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि डेमो जो होता है ना, यहां देखिए डेमो का मतलब होता है पीपल, क्या होता है, पीपल होता है। अब देखिए डेमो का मतलब हो गया पीपल, और
फोबिया का मतलब हो गया डिसलाइक करना, जो लोगों को डिसलाइक कर सबको पसंद नहीं करता वो, भाई जाओ सब लोग मुझे दूर रहना है सबसे, कहने का मतलब है कि उसे क्या है, उसे उसे कहेंगे हम लोग कि वो उसे डेमोफोबिया है, मतलब डेमो मतलब पीपल और डेमोफोबिया का मतलब हो गया द वन हु फियर ऑफ हु हैज या बोल सकते हो हु डिसलाइक्स, द वन हु फियर्स और वन हु डिसलाइक्स क्या पब्लिक पीपल या लोगों के बीच में आगे बात करने से डरता है, लोगों के बीच में आने से डरता है। देखिए डेमो मीन्स पीपल, सो डेमोफोबिया मीन्स द वन हु फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, है ना, ये लोगों से भी डर सकते हैं या फिर लोगों को पसंद नहीं कर सकते हैं या फिर पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। जैसे आज मैं आकर आपके सामने पढ़ा रहा हूं, मैंने पढ़ाया है 300 500 बच्चों को भी एक साथ पढ़ाया है मैंने, ठीक है, और पढ़ाया मतलब कि रेगुलर पढ़ाया है, हर दिन पढ़ाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब पब्लिक स्पीकिंग से मैं नहीं डरता, लेकिन अगर किसी को डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से तो उसे कहेंगे उसे क्या है, डेमोफोबिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं एंथ्रोपोफोबिया। अब ये एंथ्रोपोफोबिया क्या होता है, तो एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग या बोल सकते हैं मैनकाइंड। देखिएगा एंथ्रोप मैंने पढ़ाया भी जस्ट, उसमें फोबिया लगा दीजिए, मतलब कि ह्यूमन रेस से डर लगता है किसी को तो उसको बोलेंगे एंथ्रोप, एंथ्रोपोफोबिया है, ठीक है। द वन हु डोंट लाइक, द वन हु डज नॉट, the one who does not like the company of human being or in simple word aloof, मतलब अकेला रहना जिसको पसंद है ना, solitude में रहना पसंद है, introvert बोल सकते हैं वैसे व्यक्ति को, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, anthropophobia बोलेंगे, ठीक है। theophobia, अब ये theophobia क्या होता है समझिएगा सभी लोग, अगर हम बात करें theophobia की तो theo का मतलब भगवान हो गया और यहाँ पे phobia हो गया, तो भगवान या religion से किसी को डर लगता है या पसंद नहीं है तो उसको बोलेंगे कि theophobia है उसे, ठीक है। ये फोबिया तो हो गया, आप लोग मुझे बताइए फटाफट, क्रसी, देखिए क्रसी का मतलब क्या होता है, शासन करना, मतलब गवर्नमेंट रूल शासन, ठीक है। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया समझिए थोड़ा, अभी हमने पढ़ा है डेमो का मतलब पब्लिक होता है पीपल होता है और क्रसी का मतलब हो गया शासन, तो डेमोक्रेसी मतलब शासन पब्लिक के द्वारा, पीपल के द्वारा शासन किया जा रहा है, कॉमन पीपल, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल। आगे बात करें ऑटोक्रेसी, सभी लोग मुझे बताइए ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल दीजिए मुझे फटाफट, सभी लोग कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल देंगे कि ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऐसे शासक का नाम बताइए जो ऑटोक्रेसी में बिलीव करता हो। चलिए तो किंगशिप में बहुत सारे नाम है, जैसे अगर हम बात करें इसमें तो हिटलर का नाम आ सकता है, ठीक है, हिटलर एडोल्फ हिटलर जो था वो एक्चुअली में क्या था, किंगशिप का एग्जांपल, डिक्टेटरशिप का एग्जांपल है, ठीक है, किंगशिप नहीं लेकिन डिक्टेटरशिप का एग्जांपल है। तो ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक आदमी के हाथ में सारी पावर्स होती है, ठीक है, समझ रहे। अब देखिए थियोक्रेसी का मतलब क्या होगा, थियो मतलब हो गया भगवान, क्यों मतलब भगवान, और एक कृषि का मतलब हो गया शासन, भगवान का शासन होगा तो भगवान से रिलेटेड किसी भी रिलीजन से रिलेटेड जो लोग होते हैं ना उनका शासन कहां होता है भाई, जैसे मंदिर में आप जाएंगे तो जो पुजारी होते हैं ना, पुजारी जो कहेगा वही आपको करना पड़ेगा, जो भी पुजारी कह रहे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनका वहां पे शासन चलता है, ठीक है, उन्हीं को पता है कि क्यों कौन चीजें करनी है कौन चीजें नहीं करनी। उसी तरह चर्च में आप जाओगे तो वहां पे जो फादर होते हैं जो प्रीस्ट होते हैं ना उन्हीं को पता होता है, बिशप कहते हैं ना उनको, बिशप जो होते हैं वो शासन उनका चलता है, वो जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, बोलेंगे यहां प्रेयर करो वहां मत करो वहां करो वहां नहीं करो, तो क्या यही सेंस बनेगा। आगे देखिए अगर मैं आगे बात करूं, अगर जाओगे आप लोग किसी भी मॉस्क में, ठीक है, तो वहां पे जो मौलवी होते हैं वो बताएंगे आपको, ठीक है, गुरुद्वारे में जाओगे तो वहां पे भी जो होते हैं प्रीस्ट वही बताएंगे। कहने का मतलब होता है कि हर किसी का जो धर्म से रिलेटेड है उनका शासन चल रहा होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, थियोक्रेसी,
क्या बोलेंगे उसको, थियोक्रेसी बोलेंगे। आखिरी देखिएगा, आखिरी वर्ड हमारे पास यहाँ पे, आखिरी नहीं आगे कुछ और वर्ड है, प्लूटोक्रेसी। प्लूटो का मतलब होता है पैसा, वेल्थ या फिर वेल्दी पीपल। तो धनी व्यक्ति जो होते हैं उनका शासन होता है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, मतलब पैसों का शासन। जैसे कोई काम नहीं हो रहा है आप उसको पैसे एक्स्ट्रा दे दीजिए, ब्राइब दे दीजिए, मतलब घूस दे दीजिए, ग्रीस द पाम कर दीजिए, क्या होगा आपका काम तुरंत हो जाता है। मतलब वैसे जगह का क्या बोलेंगे, प्लूटोक्रेसी बोलेंगे। ओलिगोक्रेसी का मतलब क्या होता है, तो ओलिगोक्रेसी मतलब होता है कुछ चुनिंदा लोगों का समूह होता है जो शासन कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आप सभी को कि बताइए ना कंप्यूटर में कौन कौन से ऐसे कंपनी है जो शासन करते हैं। तो भाई प्रोसेसर किसका आता है, तो इंटेल का आता है, उसके अलावा शायद ल्यूमेक्स का आता है ना, विंडोज आता है, विंडोज नहीं आता मतलब इंटेल आता है, उसके अलावा एएमडी आता है ना, और आईओएस आता है, यही आता है, तीन ही आते हैं आई थिंक, और भी आते होंगे भाई मुझे पता नहीं है। तो मैंने यूज किया है इंटेल और एएमडी, दोनों यूज किया है, दोनों ही बहुत ही अच्छी है, अच्छा प्रोसेसर है। तो कहने का मतलब प्रोसेसिंग में जाएंगे आप लोग पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में चलेंगे तो कुछ ही कंपनीज है जो रूल कर रही है, क्योंकि वही लोग बनाते हैं प्रोसेसर, ठीक है, बाकी लोग नहीं बनाते। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे लोगों का शासन चलता है वहां पर। अगर वो लोग बोलेंगे कल को कि मैं 10 लाख रुपए का एक सिस्टम बनाऊंगा, मेरा जो प्रोसेसर होगा वो 10 लाख रुपए का होगा, सभी लोग मान लीजिए, सब लोगों ने इंटेल ने एएमडी ने सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कि 10 लाख से कम में नहीं बनाएंगे, तो भाई 10 लाख ही में लेना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं हमारे पास, समझ रहे हो, मोनोपोली हो जाएगा उनका। तो आगे देखिए मोबोक्रेसी, मैंने जो लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था वो सॉफ्ट ड्रिंक को लेकर था कि जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना वो किस कंपनी का पीते हो, तो बोलेगा सर स्प्राइट पीता हूं, फैंटा पीता हूं, मिरिंडा पीता हूं, ये सब के सब कोक है, ठीक है, आप माजा पीते हो कोक है, वो सब एक कोक है। तो कोक एक कंपनी हो गई, उसके अलावा पेप्सी एक कंपनी है, उसके अलावा और भी कंपनीज है, 2-3 कंपनीज और है, इसका मतलब क्या हो गया, 4-5 कंपनीज मिलकर क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट को चला रहे, ठीक है, रूल कर रहे हैं। मोबोक्रेसी क्या होता है, तो मोबोक्रेसी मतलब होता है मॉब, ये बना कहां से, MOB, मॉब का मतलब गुस्साई हुई भीड़ जो कि लॉलेसनेस होते हैं उसके अंदर, मतलब लॉ को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती है। जैसे मान लीजिए विधायक जी का हत्या होता है ना, या किसी मिनिस्टर का हत्या होता है, तो सपोर्टर्स क्या करते हैं, सपोर्टर्स रोड पे निकलते हैं जुलूस निकालने के लिए और तोड़फोड़ कर देते हैं, जो तोड़फोड़ करते हैं उसे कहते हैं क्या, मोबोक्रेसी, ठीक है। तो मॉब मींस क्राउड, सो मोबोक्रेसी मींस व्हेन क्राउड टेक्स ओवर गवर्नमेंट, और इन अदर वर्ड्स लॉलेसनेस, कानून जहां नहीं होता है उसको बोलते हैं मोबोक्रेसी, ठीक है। आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे, तो आज की क्लास में भी ओवर करेंगे, उम्मीद है ये रूट वर्ड्स का रिवीजन आपको समझ में आया होगा और अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, दोबारा भूलेंगे नहीं आप लोग, ठीक है। एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर रिवाइज नहीं हो पा रहा, रिवाइज करने के लिए तो मैंने ये क्लास ऑर्गेनाइज किया कि आप लोग को याद रहेगा रिवाइज हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूं से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना, ये क्लास आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो क्या करेंगे, इसे लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास क्लास में अवेलेबल, अगर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दूसरी बात कि अपने थॉट्स को, अपने कमेंट्स को आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर डालिए, वीडियो खत्म होने के बाद जो कमेंट बॉक्स आएगा उसके अंदर जरूर डालिएगा इस कमेंट को कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एवरीवन, स्टे सेफ एंड जय हिंद।